make it pop, make that pistol pop. Shawty got a bad boy fetish. Shawty come over and get it. सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम आपको यही वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले हैं जो कि अवैध दरबार सर ने अपने टिकटॉक आईडी पर अपलोड करी है और काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ इस वीडियो पे आ रहे हैं। तो ऐसी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, 5-6-7 मिनट की हो सकती है। लोग बोलते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप 100% सीख जाएंगे। सो गाइस, चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सिंपली हम बात करेंगे कि इसके लिए हमको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और हमको अपनी ओरिजिनल वीडियो कैसे शूट करनी होगी। तो आपको अपनी दो ओरिजिनल वीडियो शूट करनी होगी। पहली वीडियो आपको मोबाइल में डायलॉग चलाकर रखनी होगी, वही डायलॉग नहीं, साउंड बंदूक वाली, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से डाउनलोड करके और आप चलाकर रख सकते हैं और उस पर आप कुछ इस तरह से वीडियो बना लीजिए। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, आपको अपनी पहली वीडियो कुछ इस तरह से शूट करनी है। अब आपको अपनी दूसरी वीडियो कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर कोई साउंड आपको नहीं चलानी है, सिंपल कपड़ा चेंज करें और जाकर अपनी दूसरी वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लें। ओके गाइज, इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है काइन मास्टर, और दूसरा एप्लीकेशन आपको बैकग्राउंड इरेजर। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए बैकग्राउंड इरेजर का इस्तेमाल करें ताकि आपका अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हो पाए और आपको एडिटिंग में थोड़ी आसानी होगी। सो ये दो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम सिंपली चलेंगे अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में और आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको आता है ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर देना। तो चलो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। है गाइस, तो सिंपल आप अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करके और 9:16 वाला रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमने अपनी वीडियो ऐसे ही शूट की है। देन आपको मीडिया में जाना है और आपको अपनी पहले ये वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह, मेरी बैटरी लो हो गई, सो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना ये, और फिर इस वीडियो को यहाँ रोकना है, जैसे ये इधर आता है ये, ताकि अच्छा सा ट्रांजेक्शन हो। तो यहाँ से आपको इस वीडियो पर जाना है, सीतर पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देना है। देन आपको मीडिया में दोबारा से आना है और आपको अपनी दूसरी वाली वीडियो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसमें आपको यहाँ जैसे ये, सो एक मिनट थोड़ा इधर करते हैं, सो यहाँ से इस वीडियो पर जाना है सीधर पर और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट कर देना। आप देखते हैं थोड़ा कैसी हुई है, आवाज़ सुनने को तो मिलेगी नहीं क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है। तो थोड़ा और हम इसको यहाँ से इस तरह कट कर देते हैं, अब देखते हैं। सो गाइस, ये हो गई। अब आप चाहे तो पहले इतनी वीडियो सेव कर लें, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। देन दोस्तों, आपको दूसरा काम क्या करना है, देन दोस्तों आपको थोड़ा वीडियो में आगे आना है और जब ये उधर जाता है, ठीक है गाइज, तो यहाँ का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ क्लिक करके कैप्चर एट सेव फ्रेम एट प्ले हीड, यहाँ आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरह, तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देन आपको काइन मास्टर को मिनिमाइज कर देना है, आपको लेयर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है टाइम लाइन में। देन सिंपल आप बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में आ जाओ और यहाँ लोड ए फोटो करो, और यहाँ आपको अपनी इस फोटो का एक एक करके, पहले आपको इसका जो है चश्मा, मतलब सब कुछ रिमूव कर देना है, सिर्फ चश्मा बचाना है। तो मैं अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ वीडियो को कट कर रहा हूँ और मैंने पहले से करके रखा है, तो आप लोग देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह से अच्छे से करना है सब कुछ करके, सिर्फ चश्मा आपको बचाना है, ठीक है गाइज, कुछ इस तरह गाइस आप देख लीजिए। फिर इसको आप यहाँ डन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको 4 PNGs बना लेनी है कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस। देन हम वापस से चलेंगे अपने काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में जाने के बाद देख लीजिए यहाँ आपको क्या करना होगा। सिंपल यहाँ आएंगे हम लेयर में, मीडिया में, और अपनी सारी PNGs को जो हमने बनाई हुई है, चार है, सो एक एक करके हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लेयर में जाएंगे मीडिया में और दूसरी वाली कर लेंगे, फिर लेयर में जाएंगे मीडिया में और तीसरी वाली कर लेंगे, फिर लेयर में जाएंगे मीडिया में और चौथी वाली कर लेंगे। अब गाइस ये हो गया, अब हमको करना क्या है, इसको जो है हमको हाथ से प्रेस करके इधर ले जाना है, और हमको ऊपर वाली टाइमलाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है गाइस, सिर्फ हमको इसको इधर लाना है कुछ इस तरह। एक और कहाँ गई ये है,
ठीक है गाइज, देन हमको करना क्या है, अगर ऊपर वाली टाइमलाइन में छेड़छाड़ करेंगे, जैसे ये 4.4 सेकेंड पर है तो इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो वीडियो में दिक्कत होगी। देन आपको इधर जितना ये फालतू का एक्स्ट्रा हिस्सा है चारों PNG में, ये आपको जो है वो कट कर देना है। ठीक है गाइज, तो कुछ इस तरह से आप इसका इधर का हिस्सा आप कट कर सकते हैं। देन गाइज अभी देख लीजिए, यहाँ हमको अब सबसे मेन काम हमको यहाँ ध्यान देना है। जैसे ये इसने पहली गोली चलाई, तो यहाँ हमको जब इसने पहले गोली चलाई तो हमको चश्मा चाहिए, तो चश्मे को हम पहले इधर से कट कर देते हैं कुछ इस तरह। आप देखते हैं जैसे ये, तो ये गोली चलाने पर चश्मा आया। देन दूसरी गोली जब इसने चलाई तो मेरी जैकेट आएगी। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ से अपनी जैकेट वाले इमेज को हम कट करेंगे, कैंची पर जाएंगे और फर्स्ट नंबर वाला कट कर देंगे। ओके गाइज, अब जब तीसरी गोली चलाएगा तो मेरी पेंट आएगी, तो यहाँ हम पेंट वाली वीडियो को कट कर देंगे कुछ इस तरह। अब जब ये चौथी गोली चलाएगा तो मेरा जो है शूज़ आएगा, तो ये कुछ इस तरह से। सो हम शूज़ वाली भी इस तरह से कट कर देंगे। अब गाइज इसको हमको करना क्या है, आप चाहे तो इसको हाथ से ऐसे छोटा बड़ा करके सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड इरेजर से रिमूव किया तो सबसे आसान तरीका यहाँ है, फिट टू स्क्रीन, यहाँ से आप एक एक करके सबको कर दें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। कुछ इस तरह से आप सारी PNGs को फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। सो गाइज अभी देखिए वीडियो कुछ इस तरह से रेडी हुई है। तो ये गाइस वीडियो हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अभी इसमें साउंड देना बाकी है, तो इसके लिए हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और साउंड की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, सो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। देन यहां हम क्लिक करेंगे और इसको यहां जाएंगे और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे और इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। अब गाइज़ आपको अपनी जो वीडियो है इसके साउंड को आपको दोनों साउंड को ज़ीरो कर देना है। अब यहाँ आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, फिर सिंपल आपको यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में वीडियो को सेव कर लेना है। ओके गाइज, सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाओ बनाओ और वायरल हो जाओ। बाय।